वेलकम टू इजी कुकिंग। आज हम बनाना कीवी की स्मूदी बनाने जा रहे हैं, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम स्मूदी बनाना शुरू करते हैं। स्मूदी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बनाना लिया है, साथ में दो कीवी ली है, और इसके साथ मैंने आधा कप के करीब दही लिया है। दही खट्टा नहीं होना चाहिए ज़्यादा स्मूदी बनाने के लिए। और साथ में इसमें हम रॉ हनी यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक हनी यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो अवेलेबल है आप वो कर सकते हैं। और अगर आप इसमें दही नहीं डालना चाहते, आपको इसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता, तो आप इसकी जगह पे आधा कप के करीब ऑरेंज जूस या कोई भी फ्रेश जूस जो आपको अच्छा लगता है वो डाल सकते हैं दही की जगह पे। पहले हम फ्रूट्स का छिलका निकाल कर इनको बारीक बारीक काट लेंगे। मैंने बनाना और कीवी दोनों को काट लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडर का जार लिया है, तो उसमें हम बनाना और कीवी दोनों को डाल देंगे। इसमें कीवी भी डाल देंगे और अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही कम या ज्यादा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी आइस क्रश करके लिए इसको डाल देंगे। अगर आप ज्यादा ठंडा चाहते हैं तो ज्यादा आइस डालें। और एक चम्मच के करीब यहाँ पे मैं रॉ हनी इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसको अब बंद करके ब्लेंड कर देंगे इस तरह से। स्मूदी बनकर तैयार है। बनाने के बाद आप इसको तुरंत ही सर्व करें, और ज़्यादा ठंडा करने के लिए इसमें आप और आइस क्यूब ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।